तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है फिलहाल आप सभी का आज के इस लेटेस्ट वीडियो में। तो कौसा गंगापुर सिटी का शिलारस निरीक्षण हो चुका है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। दौसा गंगापुर सिटी रेलवे लाइन की 11 स्टेशनों को अल्फाबेटिक कोड भी जो है जारी करवा दिया गया है। फरवरी के आखिरी सप्ताह से ट्रेन चलने की उम्मीद है। बता दूं कि क्षेत्र में जो दोस्तों यह रेलवे प्रोजेक्ट है, जिसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहचान बनाई गई है, जिसमें से दौसा गंगापुर रेल परियोजना पूरी तरीके से तैयार होने के बाद भारतीय रेलवे कांग्रेस संगठन कार्यालय की ओर से उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल के अधीन आने वाले नवनिर्मित दौसा गंगापुर सिटी खंड के 11 रेलवे स्टेशनों को अल्फाबेटिक कोड को आवंटित किया जा चुका है, जिससे यहां की ट्रेनों के संचालन तो बता दो कि यहां पर ट्रेनों का संचालन साफ हो चुका है। भारतीय रेलवे कॉन्ट्रेस संगठन के प्रधान सचिव एवं निर्देशक माल डिब्बा विनियम अजय कुमार नवलखा के हस्ताक्षरित पत्र की ओर से उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल के अधीन नवनिर्मित दौसा गंगापुर सिटी खंड के सभी स्टेशनों को अल्फाबेटिकल कोड आवंटित किया जा चुका है और इनके कोड से होने वाले कार्यों की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। बता दूं कि दौसा गंगापुर रेल मार्ग के बीच पड़ने वाले जो स्टेशन है, जिसमें से बानियान, नांगल, उसके अलावा यहाँ पर रजावतान, सलेमपुर, अरनिया खुर्द, डिडवाना, लालसोट, बिंदौरी, मंडवार, मंडावरी, पिपलाई, बाबरमास, उदयी कला सहित 11 स्टेशनों को अल्फाबेटिक कोड को दिया गया है। बता दूं कि यह कोड देने के बाद दौसा गंगापुर रेल मार्ग पर इंजन की सिटी गुजने का रास्ता भी साफ हो चुका है। दौसा गंगापुर सिटी रेल लाइन सीधे दिल्ली और मुंबई जैसे दो बड़े मार्ग को जोड़ती है। मंडावरी रेलवे स्टेशन के रेल संचालन आवागमन के लिए पूरी तरीके से तैयार किया गया है एवं लाइट टू फिट जगमग भी कर दिया गया है। वहीं मंडावरी जो रेलवे स्टेशन है, जैसे ही लोगों को पता चला कि रेल संचालन के लिए यह स्टेशन पूरी तरीके से तैयार है, तो पूरा ग्रामीण दल स्टेशनों को देखने पहुंचा। अब मंडावरी स्टेशन लाइट से जगमग होने के साथ ही क्षेत्र के लोगों को रेल सफ़र के सपने को साकार करते हुए पूरी तरीके से दिखाई पड़ रही है। स्थानीय व्यापारियों की माने तो रेल संचालन शुरू होने के साथ साथ कम भाड़े एवं अधिक दूरी से आने वाला कच्चा माल उन तक पहुंचाया जा सकेगा, जिससे लोगों को सस्ते भाव में सामान उपलब्ध होने की पूरी तरीके से प्रबल संभावना है। बता दूं कि 100 किलोमीटर की रफ्तार से इस पूरे रूट का सीआरएस करवाया गया था, जो कि अब संपन्न हो चुका है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट कीजिएगा। हालांकि अभी 22 तारीख को लाल फोर्ट से दौसा तक का रूट को जांचा जाएगा, बाकी कुछ रूट को यहाँ पर सीआरएस करवाया जा चुका है। वीडियो के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। जय हिंद।